भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए मुकाबले में अंपायर से हुई चूक, भारत को भुगतना पड़ा काम में आज अंपायर की गलती की वजह से 140 करोड़ भारतीयों का दिल तो टूट ही, लेकिन भारतीय टीम की हार से काफी ज्यादा निराश नजर आए सऊदी अरब के किंग सलमान और अफगानिस्तान के पीएम हसन अखुद, जिन्होंने खुद गुस्से में इस मुकाबले को दोबारा करने के लिए आईसीसी से मांग की है। तो चलिए बताते हैं दोनों ने क्या कहा, लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि यह मुकाबला दोबारा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में भारत को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला था। टीम इंडिया की बल्लेबाजी मुकाबले में शर्मनाक रही, हालांकि रोहित ने 31 गेंद में 47 रन की पारी जरूर खली तो विराट ने भी 54 रन बनाए, लेकिन युवा खिलाड़ियों ने साथ नहीं दिया। कल राहुल ने अंत तक लड़ाई करी और 66 रन बने, जिसके चलते भारतीय टीम 240 रन से ज्यादा स्कोर नहीं बना सकी। और गेंदबाजी में जब भारतीय टीम उतरी तो शुरुआत में 3 विकेट तो 47 रन के स्कोर पर गिरा लिए थे, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि हमारी टीम आसानी से इस मुकाबले को जीत भी लगी, लेकिन हेड और लबुशेन के बीच ऐसी साझेदारी रही कि उसके बाद विकेट ही नहीं गिरा। दोनों ने अपने टीम को इस मुकाबले में जीत दिला दी, हेड ने शतक लगाया तो लबुशेन अर्धशतकीय पारी खेली। भारतीय टीम की हार के बाद काफी ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। ऑफ-फील्ड अंपायर रिचर्ड कैटलब्रा के ऊपर सभी का मानना है कि उन्होंने गलत फैसला दिया, जो बल्लेबाज आउट हो रहा था उसे नॉट आउट करार दिया गया और रिव्यू लेने के बाद भी फैसला अंपायर कॉल के चलते ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में गया। अगर वह आउट देते तो भारत को आउट ही मिलता, लेकिन अंपायर की घटिया अंपायरिंग की वजह से हर किसी का गुस्सा फूट रहा है। अब के किंग सलमान, जो कि पहले इंटरव्यू में इस बात को बता चुके थे कि वह भारत को सपोर्ट करेंगे क्योंकि भारत के लोगों से उन्हें हमदर्दी है, भारत के साथ वहां के संबंध भी अच्छे हैं और वह चाहते थे कि भारत ही मुकाबले को जीते, लेकिन अंपायर की नीच हरकत के बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारतीय टीम ने अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन कभी कभी आपका दिन अच्छा नहीं होता, किस्मत आपके साथ नहीं होती, शायद यह वही दिन था। अंपायर की बेवकूफी भारतीय टीम पर भारी पड़ी, जबकि टीम इंडिया की इसमें कोई भी गलती नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे अंपायर पर आईसीसी को एक्शन लेना चाहिए, बल्कि मुकाबला भी दोबारा करना चाहिए, क्योंकि किसी एक अंपायर की वजह से उस देश के कितने लोगों का दिल टूट चुका है इसका अंदाजा वह अंपायर कभी नहीं लगा सकेगा। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान के पीएम हसन अखुद कभी इस बीच बड़ा बयान सामने आया, भारतीय टीम की हरकत जिम्मेदार उन्होंने अंपायर को माना। उन्होंने कहा ऐसे खिलाड़ी पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, साथ ही जुर्माना भी लगाना चाहिए, जिसकी वजह से अगर आगामी टूर्नामेंट में इस मौका दिया जाए तो यह निष्पक्ष होकर अंपायरिंग करे। भारतीय टीम की इसमें कोई भी गलती नहीं है, हम अपील करते हैं कि इस पर जांच हो और हो सके तो दोबारा मुकाबला भी कराया जाए, आईसीसी इस पर विचार करे, हम सभी भारत के सपोर्ट में है। इस तरह से दोनों ने अपनी गुहार लगाई है, लेकिन आप सभी को क्या लगता है कि वास्तव में भारत के साथ बेईमानी हुई है या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के हार के साथ 140 करोड़ भारतीयों का दिल टूट गया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम की जीत के बाद कई तरह के इल्जाम उनके ऊपर लग रहे हैं। भारतीय टीम का मनोबल बढ़ाने पहुंचे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब इस हार के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है और गुस्से में कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर आपका भी होश उड़ जाएंगे। तो चलिए बताते हैं मोदी के पूरे बयान के बारे में, लेकिन अगर आपको भी लगता है कि भारतीय टीम के साथ बेईमानी हुई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो वही हार के बाद पीएम नरेंद्र मोदी का गुस्सा भी जमकर फूटा है। उन्होंने कहा भारतीय टीम ने अच्छी क्रिकेट खेली, हम अपनी टीम को हमेशा सपोर्ट करेंगे क्योंकि हमारे खिलाड़ियों के साथ आज बुरा वक्त है तो हमारा कर्तव्य बनता है उन्हें सहारा देने का, हमें अपने खिलाड़ियों पर गर्व है। लेकिन पीएम मोदी ने कहा कहीं ना कहीं भारतीय टीम के साथ इस मुकाबले में बेईमानी हुई है, अंपायर की गलती रही है जिसकी वजह से भारतीय टीम को हर का खामियाजा भुगतना पड़ा। अगर अंपायर सही फैसला देते तो वह बुमराह की गेंद पर LBW आउट हो जाते और वहां से मुकाबला पलट सकता था, क्योंकि कई बार देखा जाता है एक विकेट गिरने के बाद आने वाले बल्लेबाजों को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ जाता है, लेकिन अंपायर ने उन्हें नॉट आउट करार दिया, जिसके बाद DRS लेने के बाद भी अंपायर कॉल के चलते अंपायर की बात को ही माना गया। हालांकि मोदी ने कहा कि यह गलत फैसला जब टीम की उम्मीदों को चकनाचूर कर सकता है तो मुझे लगता है ऐसे अंपायर पर बैन लगना चाहिए, साथ ही आईसीसी के नियम के अनुसार मुकाबला को भी दोबारा करना चाहिए, क्योंकि अपने आप में यह गलत फैसला है।
किसी एक अंपायर के गलत फैसले की वजह से 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीद टूट चुकी है, इस पर आईसीसी को एक्शन लेना होगा। इस तरह से मोदी ने अपनी बात कही, लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या वास्तव में इस मुकाबले को दोबारा करना चाहिए या नहीं, अंपायर की बेईमानी की वजह से कमेंट सेक्शन में बताइए। वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम हारी नहीं है बल्कि हराया गया है। जी हां, ऑस्ट्रेलिया टीम और अंपायर की बेईमानी के चलते भारतीय टीम को आज खिताब अपने हाथ से गंवाना पड़ा। एक ऐसी ही गलती अंपायर की आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, जिसकी वजह से भारतीय टीम जाकर भी इस वर्ल्ड कप को नहीं जीत सकी। अंपायर की घटिया हरकत को देखने के बाद आपका भी खून खौल जाएगा। तो चलिए बताते हैं किस तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम और अंपायर ने बेईमानी करी, जिसकी वजह से जीता हुआ मुकाबला भी भारतीय टीम हार गई। लेकिन अगर आपको भी लगता है कि भारतीय टीम के साथ बेईमानी हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। शुभमन गिल 4 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उसके बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने बड़ी ही आक्रामक बल्लेबाजी करी। 10 ओवर का खेल भी समाप्त नहीं हो पाया था। टीम ने 76 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिया था। उसके बाद रोहित शर्मा 31 गेंद में 47 रन बनाकर आउट हुए और आईआर सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हुए। भारत ने 81 पर 3 विकेट खो दिए थे। इसके बाद विराट कोहली और केएल राहुल ने धीमी गति से बल्लेबाजी करते हुए साझेदारी बनाने की कोशिश की। दोनों ने टीम का स्कोर 148 रन तक पहुंचा दिया था 29 ओवर में। उसके बाद गेंद विराट के बल्ले का किनारा लेते हुए विकेट में जा लगी और 54 के स्कोर पर वह भी आउट हो गए। उसके बाद जडेजा भी 9 रन बनाकर आउट हुए। केएल राहुल अकेले लड़ रहे थे, सूर्य कुमार यादव ने उनके साथ जरूर दिया, लेकिन टीम दबाव में थी। 40 ओवर में लगभग 190 टीम ने बना लिए थे और राहुल उसके बाद 66 रन बनाकर आउट हुए। सूर्य कुमार यादव भले ही क्रिश पर थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि 250 रन बनाना भी भारतीय टीम के लिए मुश्किल था। दरअसल भारतीय टीम ने 240 रन तो बनाए थे, लेकिन जवाब में भारतीय टीम ने गेंदबाजी में कहर सा ढहा दिया था। पहले मोहम्मद शमी ने डेविड वार्नर को आउट किया और उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने मार्च और उसके बाद स्टीव स्मिथ को 47 रन के स्कोर पर 3 विकेट कर दिए थे। यहां से भारतीय टीम की उम्मीद लगभग जिंदा हो गई थी मुकाबले को जीतने में। उसके बाद हेड और लबुशेन के बीच साझेदारी हो गई। दोनों ने टीम का स्कोर लगभग 150 के पास पहुँचा दिया था, लेकिन उसके बाद कप्तान रोहित शर्मा ने गेंदबाजी के लिए जसप्रीत बुमराह को बुलाया और उन्होंने सेठ बल्लेबाज लबुशेन को योरकर बोल डालकर LBW आउट कर दिया था। हालांकि अपील के बाद अंपायर ने इस नॉट आउट करार दिया और जब DRS लिया गया तो देखा गया कि गेंद स्टंप में लग रही थी, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट करार दिया, जिसके चलते अंपायर की बात को माना गया और नॉट आउट करार दिया गया नियम के अनुसार, जो कि अंपायर कॉल होता है। लेकिन यहां पर अगर अंपायर आउट दे देते तो रिव्यू के बाद भी भारतीय गेंदबाज की झोली में यह विकेट आ जाता और वहां से मुकाबला को पलटा जा सकता था, लेकिन यह अंपायर की गलती ही रही। ऐसी ही गलती पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में भी हुई थी, जिसके चलते उन्हें बाहर होना पड़ा वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट से। लेकिन अंपायर की बेईमानी के चलते भारतीय टीम के विजेता बनने का सपना टूट गया। रोहित शर्मा ने भी इसी बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहले तो हमारी बल्लेबाजी खराब रही, लेकिन गेंदबाजों ने अच्छी शुरुआत तो दिलाई थी और ऐसा लग भी रहा था कि शायद यहां से मुकाबला पलट सकता था। अलग ही बीच में साझेदारी हुई, लेकिन जब बुमराह ने सफलता दिलाई थी तो वह अंपायर की गलती की वजह से हमें विकेट नहीं मिला। कहीं ना कहीं हमारे साथ बेईमानी तो हुई है, अगर वह विकेट मिल जाता तो आगे गेंदबाजों को उम्मीद मिलती और शायद मुकाबला हमारे पक्ष में आ सकता था। इस तरह से रोहित ने अपनी बात कही, लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या वास्तव में भारत के साथ बेईमानी हुई है या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा।